हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट वाटर स्टैंडर्ड्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस लाइक हम डोमेस्टिक जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड हमें क्या लिमिट्स देता है तो इन अर्लियर वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स की फिजिकल पैरामीटर्स में क्या हमारी परमिजेबल लिमिट्स होती हैं केमिकल पैरामीटर्स में क्या लिमिट्स होती हैं और हमारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं इन दिस वीडियो वी विल स्टडी आर कोड सो विच कोड आई एस वन जीरो टू थाउजेंड ट्वेल्व सो दिस कोड विव द कंप्लीट डिटेल इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वॉटर हम किसके बारे में पढ़ेंगे अबाउट द ड्रिंकिंग वॉटर

फिजिकल पैरामीटर पहुंच जाए the, uh, जाए या केमिकल पैरामीटर अप रीच कर उस लिमिट तक तो हम उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दई एस कोड सो द फर्स्ट परमिजिबल लिमिट इज अबाउट दी टोटल सॉलिड टोटल सॉलिड्स की परमिजिबल लिमिट इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी होती है फाइव हंड्रेड पीपीएम एंड कॉज फॉर रिजेक्शन टू थाउजेंड होता है लाइक like अगर आपकी टोटल सॉलिड टू थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा हो गए तो आप उस पानी को फिर ट्रीट भी नहीं करेंगे आप उसको रिजेक्ट कर देंगे बात करें टर्बिडिटी की तो टर्बिडिटी आप कैलकुलेट करते हैं एनटीओ में टर्बिडिटी यूनिट में परमिजिबल लिमिट होती है वन कॉज ऑफ रिजेक्शन की बात करें तो टेन पीपीएम कलर की बात करते हैं कलर हम टिंटोमीटर से मेजर करते हैं टीसीयू ट्रू कलर यूनिट इसकी हम यूज करते हैं

और मोर देन नाइन पॉइंट फाइव इज कॉज फॉर रिजेक्शन हार्डनेस मिलीग्राम पर लीटर में टू हंड्रेड पर सिक्स हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर कॉज फॉर रिजेक्शन आप रिजेक्ट कर देंगे वॉटर को अगर सिक्स हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है तो क्लोराइड कंटेंट की बात करेंगे मिलीग्राम पर लीटर में टू फिफ्टी पर लिमिट है वन थाउजेंड आपकी कॉज फॉर रिजेक्शन है सो वाई वी आर स्टिंग क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आई एस है क्लोराइड कंटेंट की तो आपको याद रखना है कि दैट इज 250 मिलीग्राम पर लीटर कॉज ऑफ रिजेक्शन पूछेगा तो आपको याद रखना है कि क्लोराइड हमारा जो है पानी में 1000 थाउजेंड मिलीग्राम पर लीटर या फिर 1000 थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्री अमोनिया की बात करें तो पॉइंट वन फाइव होती है परमीजिबल और अगर पॉइंट वन फाइव से बढ़ जाए तो दैट इज कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करें तो पॉइंट थ्री और पॉइंट थ्री से गई तो कॉज ऑफ रिजेक्शन नाइट्रेट्स की बात करें तो जीरो पानी में नाइट्रेट्स नहीं होने चाहिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन एंड एंडल दोनों आपकी क्या होंगी होगी देन नाइट्रेट्स की बात करें तो दैट इज फोर्टी फाइव मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन फोर्टी फाइव से जाए तो सिमिलरली फ्लोराइड कंटेंट तो वन पीपीएम आपकी परमीजिबल एंड वन पॉइंट फाइव कॉज फॉर रिजेक्शन सिमिलरली आयर अब क्या है कि कुछ मेटल्स है जैसे आयरन तो पानी में कितना आयरन पर मीजिबल है पॉइंट वन मिलीग्राम पर लीटर कॉज ऑफ रिजेक्शन वन मिलीग्राम पर लीटर होता है अगर उससे ज्यादा हो जाए तो कॉज ऑफ रिजेक्शन मैग्नीशियम पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट फाइव कॉज ऑफ रिजेक्शन कॉपर की बात करें तो पॉइंट जीरो फाइव वन पॉइंट फाइव सिमिलरली सल्फेट्स की बात करें तो 200 हंड्रेड uh, रिमेनिंग आप देख सकते हैं फॉर दी मिनरल ऑयल आर्सेनिक इनकी भी लिमिट्स होती है आर्सेनिक की हम पढ़ चुके हैं दैट इज एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है सिमिलरली सल्फेट के लिए टू हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर कॉज ऑफ रिजेक्शन फोर हंड्रेड कैल्शियम एंड मर्करी मर्करी क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए बट अगर कही कहीं ना कहीं अवेलेबल है तो परमिजिबल क्या होगी पॉइंट जीरो वन है, है, ना तो तो आप समझ लीजिए कितना कम है, तो that is a toxic substance, हम avoid करते हैं कि वाटर में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस अवेलेबल हो सो दीज आर सम लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द आई एस वन जीरो टू थाउजेंड ट्वेल्व जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है थैंक यू